उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नवाब सिंह यादव रेप कांड में एक बार फिर नया अपडेट आने से मामला चर्चा का विषय बन गया है। लगातार लोग इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल सपा सुप्रीमो के खास कहे जाने वाले कन्नौज में समाजवादी पार्टी की अपनी खास पहचान बनाने वाले पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव से जुड़ा हुआ है। नवाब सिंह यादव एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में इन दिनों जेल में बंद हैं। नवाब सिंह यादव के साथ उनके छोटे भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पूजा तोमर भी जेल में बंद है। इस मामले में एक बार फिर पूजा तोमर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पीड़िता की बुआ पूजा तोमर के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे निरस्त कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने तीनों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है, जिसके बाद अब इन तीनों की संपत्ति की जाँच भी की जा सकती है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बता दें कि आरोपी बुआ के अधिवक्ता ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई, लेकिन सह अभियुक्त पूजा तोमर के खिलाफ पॉस्को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसको आधार मानकर उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। अब वो जेल में ही रहेंगी। उस पर पॉस्को में ट्रायल भी शुरू हो चुका है। स्ट्रीट बज के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नवाब सिंह प्रकरण मामले में पूजा तोमर की जो जमानत खारिज हुई है, क्या मामला? नवाब सिंह प्रकरण में रेप केस में पूजा तोमर सह अभियुक्त हैं, उस आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। उसमें गैंगस्टर एक्ट में पूजा तोमर की जमानत प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता द्वारा डाला गया, जिसमें जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंद कुमार जी द्वारा दोनों पक्षों की बृहद भय सुनने के बाद पूजा तोमर का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। जमानत खारिज होने के बाद अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जमानत खारिज होने के बाद अब विवेचना होगी। विवेचना में जो भी आएगा इसके बाद न्यायालय जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। सुधीर पांडे, क्या पोस्ट है? एडीजीसी क्रिमिनल।